हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट यूनिट का फोर्थ लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पर्सनल हाइजीन एंड प्रैक्टिस फॉर जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट। एक जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस क्या होती है? तो पर्सनल यानी कि खुद की, पर्सनल यानी कि खुद की हाइजीन स्वच्छता, स्वच्छता यानी कि साफ़ सफाई, ठीक है। प्रैक्टिस जो हम वर्क कर रहे हैं, तो आज हम पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि पर्सनल हाइजीन होती क्या है। तो इंट्रोडक्शन है कि पर्सनल हाइजीन रिफ्लेक्ट गुड हेल्थ। एक पर्सनल हाइजीन जो है गुड हेल्थ का एक रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि एक प्रतिबिंब होती है अच्छे स्वास्थ्य का, ठीक है। यानी कि अगर हमारी हाइजीन मेंटेन रहेगी, लाइक आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है, मतलब बिल्कुल ही जैसे अच्छे से अपनी ड्रेस व्रेस पहन के आया है, ठीक है, और मतलब दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि वो बहुत अच्छा होगा, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो कुछ भी खाने का, पहनने का, या फिर आप खुद को मेंटेन रखने का जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा स्वास्थ्य जो है एक पर्सनल हाइजीन का एक रिफ्लेक्ट है, ठीक है। तो लैक ऑफ क्लीनलीनेस मे कॉज मैनी इन्फेक्टियस डिजीज। इनकी लैक ऑफ क्लीनलीनेस मीन्स साफ सफाई, ठीक है। अगर साफ सफाई में कोई भी कमी आती है, ठीक है, तो मैनी यानी कि बहुत सारी इन्फेक्टियस जिनसे इन्फेक्शन होता है, यानी कि संक्रमण, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण, और इन्फेक्टियस यानी कि संक्रमित, ठीक है, जिससे संक्रमण फैलता है, यानी कि इन्फेक्टियस डिजीज जो लैक ऑफ क्लीनलीनेस है मे कॉज मैनी इन्फेक्टियस डिजीज। बहुत सारी डिजीज जो इन्फेक्टियस डिजीज हैं उनका कारण बनती है, ठीक है। डिजीज मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, तो बीमारी होती है, ठीक है। डिजीज का मतलब बीमारी, ठीक है। तो बहुत सारी जो इन्फेक्टियस डिजीज है उसका कारण बनती है कौन क्या अगर हम क्लीनलीनेस नहीं रखते तो, इंक्लूडिंग एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स क्या होता है? महामारी। महामारी यानी कि जैसे कि आजकल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो एक ये महामारी है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग इसके अंदर जो है बहुत सारी महामारीज आती हैं, लाइक प्लेग, ठीक है। जैसे कि कोरोना फैला हुआ है, ऐसे ही एक बार प्लेग आया था, ठीक है, जो इन्फेक्टियस डिजीज थी, यानी कि अगर हम साफ सफाई ना रखें तो उसकी वजह से फैलती थी। आपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा, अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर से पूछना, शायद आपके मम्मी पापा को भी पता हो, तो कैत की बीमारी जिसको बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, ठीक है। तो वो आई थी प्लेग, डेंगू, ठीक है, जैसे कि जो मलेरिया और डेंगू यानी कि मच्छरों से फैलता है, ठीक है। जो कंटामिनेटेड वाटर में रहते हैं या कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, ठीक है, और वो हमें काट जाएं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन मेंटेनिंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन। तो हमें इनकी कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स कोई भी आदमी, ठीक है। तो प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो कंट्रीब्यूशन दे किसके अंदर, इन मेंटेनिंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन, यानी कि पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन रखने में, मेंटेन मीन्स बनाए रखने में अपना योगदान दे, ठीक है। यानी कि सिर्फ हमें खुद की साफ सफाई ही नहीं रखनी है बल्कि अपने इन्वायरमेंट की भी साफ सफाई रखनी है। इन्वायरमेंट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खुद की साफ सफाई रख लेंगे और हमारी गली में बहुत कचरा भरा पड़ा है, उसमें बहुत ही मच्छर पनप रहे हैं, ठीक है, मक्खियाँ पनप रही हैं जो उड़कर हमारे फूड पर बैठती हैं, ठीक है, और वो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने जो इन्वायरमेंट की भी साफ सफाई रखना हमारा परम कर्तव्य है। आगे है
इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टैंडर्ड इंडेक्स ऑफ ए सोसाइटी, यानी कि अगर कोई भी एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करता है पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन रखने में, तो वो किसको बढ़ावा देता है, एक हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ावा देता है, किसके अंदर, एक सोसाइटी में, सोसाइटी है समाज, ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी में वो एक हेल्थ स्टैंडर्ड को क्या करता है, बढ़ावा देता है. लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन कॉज डैंड्रफ, बैड ब्रेथ, वॉर्म इन्फेस्टेशंस, डायरिया, कॉमन कोल्ड एंड मैनी अदर इन्फेक्शंस. यानी कि अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तो क्या हो जाएंगे, डैंड्रफ हो जाएंगे, ठीक है, सिर में डैंड्रफ हो जाएंगे, गंदी स्मेल आने लगेगी. आपने देखा होगा कई बार कि जो कोलगेट ब्रश नहीं करते तो उनके मुंह से है ना बहुत अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है. वॉर्म इन्फेस्टेशंस, डायरिया, कॉमन कोल्ड एंड मैनी अदर इन्फेक्शन, ठीक है. तो वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाती है, डायरिया यानी कि लूज मोशन, दस्त बोलते हैं जिसको, कॉमन कोल्ड, कोल्ड होता है जुखाम, और एक कफ, कफ चीज आती है, COUGH, कफ का मतलब होता है खांसी. तो ये कॉमन कॉमन से वर्ड हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको पता चलती रहेंगी सारी चीज़ें, ठीक है. ऐसा नहीं है कि पता नहीं ये इतने सारे वर्ड हैं हमें कैसे याद होंगे, तो इजीली कोल्ड कफ सबको होता है घरों में, ठीक है, एक कॉमन सी चीज़ है तो इजीली याद रह जाएगा. एंड मैनी अदर इन्फेक्शन, और बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तो. तो नेक्स्ट है मेडिकल हैंड हाइजीन प्रैक्टिस. मेडिकल हैंड हाइजीन प्रैक्टिस क्या होती है, तो हैंड वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड्स विद और विदाउट द यूज ऑफ वाटर. तो क्या है कि हैंड वॉशिंग इज द एक्ट, हैंड वॉशिंग एक एक्ट है, किसका एक्ट है, क्लीनिंग वंस हैंड्स, अपने हैंड को क्लीन करने का. नेक्स्ट है विद और विदाउट द यूज ऑफ वाटर, ये हम वाटर और बिना वाटर के भी जो है यूज कर सकते हैं. तो ए सोपी लिक्विड और सैनिटाइजर, ठीक है, यानी कि सोपी, ठीक है, यानी कि अगर हम साबुन या डिटॉल से लगाते हैं, अप्लाई करते हैं अपने हाथों पर, तो वो तो वाटर के साथ होएगी, ठीक है. अगर सैनिटाइजर लगाते हैं तो इसमें हमें पानी का की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैनिटाइजर हमारे हाथों के जर्म्स को किल करता है. नेक्स्ट है वॉशिंग द हैंड विद सोप हेल्प प्रिवेंट डायरिया एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ARI, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ARI की फुल फॉर्म भी आती है, ठीक है. तो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि आप कोरोना वाले पेशेंट को बहुत ही एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होता है. एक्यूट का मतलब होता है, एक एक्यूट होता है, एक सीवियर होता है. एक्यूट होती है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी में सांस लेने में ट्रैक्ट ट्रैकिया में इन्फेक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जिस से हमें, जिसके द्वारा हमें सांस आता है, ठीक है, जिस ट्रैकिया से हमें सांस आता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है. तो एक्यूट होता है कम टाइम के लिए और एक सीवियर होता है ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है. तो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए हमारी हैंड हाइजीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है